हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डेसिमल, जिसमें हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, 10, 100, 1000 सब में कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं और डेसिमल से उसको फ्रैक्शन न्यूमरल में कैसे चेंज करते हैं। आज हम लोग जानेंगे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब बोले तो कैसे उसको हम लोग एडिशन के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर उसको कैसे हम लोग एडिशन में अगर दिया हुआ है, अगर डेसिमल में दिया तो कैसे उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन में दिया तो कैसे उसको डेसिमल में कर सकते हैं, हम लोग ये जानेंगे आज के वीडियो में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि आपकी एक्सरसाइज का 5वां एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.5 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से ही क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है 8.5 उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले तो देखिए, हम मैंने आपको हर एक वीडियो में ये बताया कैसे हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन न्यूमरल में। तो आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन न्यूमरल में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, जैसे 7.3 है, अब इसको हम लोग को फ्रैक्शन न्यूमरल में बोल रहे हैं, मतलब अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं कितना जीरो है, पॉइंट का देखते हैं कितना डिजिट है, जीरो नहीं डिजिट कितना है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मतलब कि पॉइंट हटेगा अगर तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, वन के बाद एक जीरो लग जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये जानना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, 7.3 बोल रहा है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हो गया इस तरह तरीके से लिखना। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने इसको लिख रखा है कैसे इसको इस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये कितने डिजिट का है, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते क्या 7+3/10। अब आप पूछिएगा कि हम इसको ऐसा कैसे लिख लिए, हम तो लिख लिए 7+3/10, आप लोग कैसे समझिएगा कैसे लिखना है, तो देखिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.73। तो मैंने कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखे ऐसे, देखिए हम आपको क्या बता चुके हैं कि पॉइंट क्या देखने की कितना डिजिट है, नीचे उतना जीरो क्या होगा आपका लग जाएगा, अगर आप लोग इसको ऐड भी कीजिएगा तो आपका 7.3 आंसर आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि डेसिमल का जितना डिजिट है उतना एक जीरो नीचे लग जाता है, तो इसको अगर सिंपल में चेंज करने का है तो हम इसको लिखेंगे 73/10, ठीक, ये हम लोग सिंपल में लिखेंगे। अब इसको अगर कह देखिए आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए 3 कितने डिजिट पे, 3 टेंस प्लेस पे है ना, मतलब 1 टेंस प्लेस पे हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि पॉइंट डेसिमल के बाद कितना है, एक ही डिजिट है, अगर दो डिजिट रहता ना, मान लीजिए यहाँ पे दो डिजिट रहता 7.32 ऐसे रहता, तो हम इसको क्या लिखते 7+3/10+2/100 ऐसे लिखते, क्यों, क्योंकि एक कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100 प्लेस पे है, तो डेसिमल के बाद देखिए ये कितने प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, 1st प्लेस पे ही है, इधर से काउंट करते हैं ना, तो ये 1st प्लेस पे हो गया, 1, 10th हो गया, 10th प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे हम लोग नीचे 10 लिखेंगे, ठीक, ये 1s और 10s दो डिजिट का मतलब 10 होगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगता है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोग को इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कहने करने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे 7 डेसिमल को हटाएंगे, 7 लिख देंगे सिर्फ, प्लस लगाएंगे, डेसिमल का एक डिजिट है मतलब 3/10 लिख दिए। अब यहाँ पे 3. अब मान लीजिए 3.73 को हम कन्वर्ट करके दिखाते कैसे कन्वर्ट किए, तो देखिए 3 तो है सिंपल, तो 3 को तो पहले लिख दिए, अब प्लस का साइन दे दिए, प्लस का साइन दे दिए, अब देखिए 7 कितने प्लेस पे आ रहा है, 1s 7 के बाद डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, मतलब क्या होगा,
एक तो ये 7 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आया कैसे? तो देखिए, मान लीजिए अगर हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का है, तो अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो कैसे दिखेंगे इसको, 373/100। तो ये कौन सा 116 फ्रैक्शन है, ये 10th वाला फ्रैक्शन नहीं है। ये कौन सा फ्रैक्शन था? 10th वाला फ्रैक्शन था। मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10th। हम आपको पढ़ाए हैं 10th, 100th, 1000th वाला सब कुछ। डिनोमिनेटर में 10 है तो मतलब इसको 10th बोलेंगे, 100 है तो 100th बोलेंगे, TH लगता है सबके लास्ट में, 1000th है तो 1000th बोलेंगे, ठीक। तो उसी तरह से हम लोग, ये 10th वाला है तो इसमें क्या लगेगा, नीचे लास्ट में जो डिजिट रहेगा 7+3/10, इसमें कितना, दो डिजिट है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसीलिए इसमें 3+, मतलब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद 2 जीरो है, मतलब इसमें 100 टाइम्स में चला जाएगा, 3+7/10+3/100। उसी तरह से अगर हमको कुछ क्वेश्चन दे दे 2.732, अगर 1000 चला दे दे, मतलब क्या है, पॉइंट क्या, कितने 3 डिजिट है, मतलब ये 1000 तक जाएगा, मतलब ये कितना तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, ठीक। तो 2 1 10 100 1000 1 10 100 1000, तो 1000 तक जा रहा है। तो 2+7 के नीचे क्या आ रहा है, 10 स्पेस पे आ रहा है, तो मतलब 10+3 के नीचे 100 प्लेस पे आ रहा है, तो 3/100, और 2 कहाँ पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो 2/1000। तो मतलब हमको देखना है कि लास्ट में, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो मतलब आप लोग उल्टा इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 2/1000 लिख देंगे, लास्ट में देखना 3 डिजिट है, मतलब 1000 वाला डिजिट है, तो इसको लिख देंगे 2/1000। फिर क्या करेंगे, 3 डेसिमल के बाद 100 प्लेस पे आ रहा है, मतलब 3/100 प्लस 7 का आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है, तो 7/10+2, ऐसे ले जाए। आप लोग पीछे से लिखिए, आगे से बात तो सिंपल है, ठीक। ये तो हो गया। अब देखते हैं आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन दिया है, अभी से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एक्सरसाइज 1.5 जो आपके बुक का है उसका क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 1 नंबर में क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूमरल लिखने बोल रहा है, राइट द नंबर, राइट द न्यूमरल, न्यूमरल for each of the following. हम लोग सब तरह का देख लेते हैं, इतना तरह का आपके ने दिया हुआ है। एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है जो आपका ए नंबर है, वो है 7+7/10। एक दिया हुआ है सी नंबर में, उसमें दिया हुआ 40+3+4/100। एक क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से जितना ज्यादा नंबर रहेगा उसी तरह से, ठीक है। आप इस दोनों को समझिए, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए हमको न्यूमरल में बदलने बोलना, मतलब किस में कन्वर्ट करना है, कि इसको डेसिमल सिंपल फॉर्म में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 10 है, मतलब क्या डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहेगा, तो मतलब क्या डेसिमल, हम लोग जैसे देखिए फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए खाली ये 7/10 है, 7 को आप डाल दीजिए, 7/10 रहे, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, 7 के पहले 1 डिजिट है, मतलब इसके पहले डेसिमल लगा रहा है, बाद में नहीं लगाना, ये चीज़ आपको याद रखिए। पहले डेसिमल लगा दिए तो नीचे 0 आ जाता था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता था, तो अब 0 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा,
जो 0.7 आता, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 7 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7.7। या फिर अगर आप लोग इसको, अगर ऐसे नहीं तो आप लोग इसको ऐड भी कीजिए, ऐड करिए इसको, ठीक है, 7 प्लस, अब 7/10 को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो 7 के पहले एक जीरो, मतलब 7 के पहले डेसिमल लगेगा और जीरो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0.7 आएगा। कैसे 7.7 आया, ये तो मैं आसान से तरीका आपको बता दिया कि एक जीरो है मतलब उस इसके पहले डेसिमल लगा दीजिए, और जीरो है कुछ डिजिट नहीं है तो इसको लगा दीजिए। अगर आप लोगों को पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप निकालना है तो ऐसे कीजिए, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए तो क्या आएगा मेरा, 7 लिखेंगे प्लस, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 0.7। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 0.7 प्लस 7.0, 7 है मतलब 7.0 होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7.7 प्लस 0, 7.0 प्लस 7.7, क्या आया, 7.7 आया, तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, 7.7। देखा उसी तरह से सी नंबर में देखिए, आप लोग इसको सिंपल भी बना सकते हैं कि कैसे सिंपल बनेगा, लेकिन आप लोग इसको देखिए 40, सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए सिंपल डिजिट क्या, 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3 कितना होगा, 43 प्लस, अब 4/100 है, अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो 4/100 कितना डिजिट है, 1 क्या, 2 जीरो है, मतलब क्या होगा, इसके पहले 4 के पहले डेसिमल लगेगा, मतलब 2 डिजिट है, मतलब 0.04, ये आएगा 0.04। अगर आप लोग ऐसे नहीं होते उसको डिवाइड करके निकालिए, हम आपको सब कुछ बताएं कैसे कन्वर्ट करना है। 2 डिजिट है मतलब क्या, 2 डिजिट के पहले जीरो लगेगा, इसमें क्या था, एक ही डिजिट था, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा था, इसमें मतलब इसमें 2 जीरो है, तो मतलब 2 डिजिट के पहले जीरो लगना है, लेकिन यहाँ पे क्या, सिर्फ 4 है और दूसरा डिजिट कोई है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, तो क्या लगा, 0.4 क्या आएगा, डेसिमल लगा के फिर कुछ नहीं था, तो जीरो लगा दे, तो 0.04 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.04। अब दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं आपको, 0.04 है, 43.00, ठीक, अब इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 403, ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 4 प्लस 0 क्या आएगा, 4000, डेसिमल का तो यहाँ पे 0 प्लस 3, 4, तो आंसर क्या आ गया आपका, 43.04। बस 1 नंबर में आपका यही दिया हुआ है कि आपको इसको न्यूमरल में चेंज कीजिए, न्यूमरल में चेंज कीजिए से मतलब क्या, इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में लाइए, तो कैसे लाइए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने, अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिया हुआ था किसमें चेंज करना था, न्यूमरल में चेंज करना था, सेकंड में बोल रहा है आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कीजिए, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 6.2 दिया है, दूसरा आपको दिया हुआ है 278.62। दो क्वेश्चन हम बताते हैं, दो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए अब इसमें ए नंबर का जो सॉल्यूशन है उसमें सिंपल देखिए, अगर 6.2 है तो इसको हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, 6 प्लस 2/10, कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल के बाद देखिए एक डिजिट है, तो हम लोग उसको डिवाइड में क्या लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे। उसी तरह से बी नंबर का अगर आपको कोई आंसर पूछे तो हम लोग इसमें क्या करने देंगे, देखिए
टू के बाद क्या है, दो डिजिट भी है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 200 प्लस, हम लोग इसको सिंपल इसको पढ़िए तो क्या पढ़िएगा, 278 पढ़िएगा, इसको बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए, 278 मतलब क्या, 200 प्लस 70 प्लस कितना 8 पॉइंट, अब बहुत पॉइंट आ गया तो पॉइंट तो हम लोग को देना नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो प्लस, अब इसको हम लोग तो हम लोग इसको 62 तो पढ़ते नहीं है, अगर 62 पढ़ते तो इसको हम लोग क्या लिखते, 60 प्लस 2, लेकिन हम लोग इसको 62 पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं, 62 पढ़ते हैं, तो मतलब 6 और 2 मतलब दो डिजिट का, तो लोग क्या लिखेंगे इसको, 6/10 प्लस 2/100, दो डिजिट है तो मतलब हम लोग का 100 वाला आना ही है, अगर एक रहता तो 10 भी खत्म हो जाता है, दो है मतलब हम लोग का 100 आना है, तो क्या देगा, 6/10 प्लस 2/100, उसी तरह आपका एक और जो है वो भी देख लीजिए, एक सी नंबर देख लीजिए, एक सी नंबर देख लीजिए क्या है, 64.294, क्या है 64 मतलब क्या, इसको हम लोग लिखेंगे 60 प्लस 4, पॉइंट है तो पॉइंट हम लोग को देना नहीं है, अब देखिए कितना डिजिट है, डेसिमल का हुआ 1 2 3 मतलब हम लोग का 1000 वाला बनने वाला है डिजिट, तो क्या करेंगे, 2/10 प्लस, इसको हटा ही देते हैं डी नंबर को, आप लोग समझ ही रहे होंगे, बाकी आप लोग वीडियो तो है ही, नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख सकते हैं, प्लस 2/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000, तीन डिजिट है मतलब हम लोग का 1000 तक जाना है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2/10 9/100 4/1000, तीसरा प्लेस पे मतलब हम लोग का 4/1000 आएगा, दूसरा प्लेस पे तो 4/100 आएगा, फर्स्ट प्लेस पे तो 2/10 आएगा, ठीक। तो ये था आप लोग का एक्सपेंड फॉर्म जो एक्सरसाइज 8.5 में था, तो आई होप आप लोग को एक्सपेंड फॉर्म डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है इक्विवेलेंट डेसिमल, तो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना जरूर से जरूर याद रखिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, बाकी हमारे प्लेलिस्ट बने हुए ही हैं, और चैनल पे आप लोग को जो भी वीडियो हुआ क्लास 10 क्लास 5 क्लास 4 का वो सारा ही अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमें ख्याल रखिएगा, बाय बाय।